इंसाफ दिलवाओ, कैसे भी दिलवाओ, हमें हमारा भाई सही सलामत चाहिए। बड़ी बहन क्या लगा, मतलब किस तरह से क्या घटना हुई बताइए, सारी शुरुआत से बताएं क्या बात हुई थी। सर मैं बोलती हूँ, मैं पवन की मौसी की लड़की हूँ बड़ी, मेरा नाम सीतू है। सर हमारा कोई किसी से कोई बैर नहीं है पहले से, ना कभी आज तक हुआ। मेरे कुछ झगड़ा हुआ था, हमें नहीं पता मेरे में क्या हुआ कैसे हुआ। पवन यहाँ पे था भी नहीं, पवन कहीं गया हुआ था, उसको बुलाया गया है वहाँ से, साजिश से रची गई है। जो हमारे गांव में हिमराज है, जो राजपूत कास्ट से है, उसकी सब कुछ रंजिश है। उसने क्या किया कैसे किया इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि उसने क्यों किया। मेले में बताया जा रहा है, मेले में इस तरह की कोई बात हुई थी। मेले में मतलब झगड़ा हुआ था 15-20 लोगों के अंदर, सब लड़के थे, सब बच्चों के नाम लिखवाए गए हैं, लेकिन उस पर मतलब बाद में कोई अमल नहीं किया गया कि बाद में मतलब पुलिस ने कुछ एक्शन लिया हो। उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि भाई बाद में से कुछ आई लेडीज थी उन्होंने FIR। हाँ सर, एक लेडीज थी, उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके हस्बैंड को काफी चोटें भी आई हैं, उसके हस्बैंड को, वो भी यहाँ पे मौजूद है फिलहाल, जिसको चोटें आई हैं वो भी। तो उनको छुटाने में पवन थे, उनको पवन को छुटाने के लिए बोला था, उन्हें छुटाने में था वो। उसने किसी हपता नहीं की, मतलब की मैं किसी को मारा हो, किसी को ठेस पहुँचाई हो, तो पवन पे हमला क्यों किया गया हमें सब ये बताओ। अगर हरिजन कास्ट ये कर सकती है हमारे राजपूत भाई को मार सकती है, कि हमारा कुछ फर्क नहीं है, हमारे भाई का इतना खून बहा है आज, कल हम उनका भी बहा सकते हैं। हमारे अंदर की हिम्मत है कि हमारे भाई का खून बहा ना, तो हम भी उनका बहा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, ये हमारे अंदर इंसानियत है थोड़ी। अभी किस तरह की हालत है आप? उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हालत खराब है, उनको होश भी नहीं आया अभी तक, वहाँ पे जाके देखा जाए तो उनको अभी तक होश भी नहीं आया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सर पहली मांग तो हमारी ये है, हमने न्यूज में पढ़ा है कि जो वहाँ पे हरिजन कास्ट के जो लोग हैं, उन्होंने न्यूज में लिखा था कि जो पुलिस वाले हैं उनके साइड में, उन्हें लिखा है कि मतलब कुछ भी करो आप, लेकिन 10 राजपूतों को मार के गिराना है, तो हम चाहते हैं उनको सस्पेंड किया जाए सबसे पहले, तो उनको कहा मतलब जो ये हिमराज जी हैं उनको जात से बाहर किया जाए। कोई भी राजपूत, हिमराज जी कौन है ये राजपूत कास्ट से है, कोई भी राजपूत उसके घर नहीं जाएगा, उसको नहीं बुलाएगा कोई भी राजपूत। ये हमारे निवेदन उनसे, हमारा भाई बिल्कुल पैर पे खड़ा होना चाहिए, नहीं तो जितना खून हमारे भाई का बह है ना, शायद आपके पीछे चल रही है। हाँ, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हमारे भाई को इंसाफ दिलाओ, हम चाहते हैं हमारी आंखों से देखें, हम भी जितना खून हमारे भाई का बहना उतना खून उनका बहे, हमारी आंखों से देखे जाते हैं हम, हमारी आंखों से दिखाओ हमें जितना खून हमारे भाई का है ना, हमने तो देखा ना उसकी हालत, वो हमें ही पता है, कोई नहीं देखने गए वहाँ पे उसकी हालत क्या है हमें पता है। उनकी हालत देखो, उनकी हालत देखो, छोटी बहन है उसकी। कितने परिवार में सदस्य हैं? सर दो इनकी बहन है, एक बहन की एक्सपायर हो चुकी, मैं उनकी मौसी की लड़की हूँ, पैदा अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए उनके। घर में कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई उसका इलाज भी हम कर सके, सही पूछे तो उसका इलाज करने पास हमारा पैसा नहीं, सही पूछे। हाँ बिल्कुल, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको ऐसी सजा मिले कि दोबारा। कुछ लोग जो आपने नाम दिए थे उनमें से अरेस्ट हो गए बता रहे हैं? हाँ कुछ लोग हुए हैं, नहीं हम ये चाहते हैं मतलब उनको ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी कांप उठे ऐसा कांड करने से, कि नहीं हमने ऐसा किया था 10 साल पहले तो 10 उसका हमें ये अंजाम मिला था, आगे से ऐसा कांड नहीं करे। आज मेरा भाई था, कल आपका भाई भी हो सकता है, कल आपका भाई भी हो सकता है, किसी की बहन भी हो सकती है, ऐसे लोगों की सलाम नहीं होती है कि वो किसका भाई है क्या है कुछ है। तो उनको इंसाफ दिलाओ, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अब मेरे भाई कुछ भी हो गए ना तो सच कह रहे हैं, पता नहीं कि जेंट्स क्या करेंगे, हम लेडीज है ना, हम जैसा सबक सिखा देंगे कि हाँ लेडीज भी है इस दुनिया में। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ किसी भी हाथ में, बाकी इनसे कुछ नहीं, तुझे इंसाफ दिलवाओ कैसे भी दिलवाओ, हमें हमारा भाई सही सलामत चाहिए। और जो वो हरिजनों के उन्हें कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ना कि कभी भी किसी दोबारा भाई पे इतना अत्याचार हो, कोई बहन इतनी दुखी हो, हमारा भाई सही हो के हमें जाए। हमें सरकार जो भी इंसाफ दिलवाएगी वो हमें मंजूर है।